आज की हमारी कहानी है ससुराल में पहला दिन। मुझे लगता है कि वर्तमान में जमाना बदल गया है और इस बदलते हुए जमाने की सोच ने हर लड़के और लड़की को शादी से पूर्व मिलने, एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से बात करने की छूट देना शुरू कर दी है, जो काफ़ी तारीफ के काबिल है। यह वैसे देखा जाए तो सही भी है, आखिरकार पति पत्नी बनना ही है, साथ में जिंदगी बिताना ही है उम्र भर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, पहले से जब जान पहचान रहेगी तो नई नवेली बहू को ससुराल में पहले दिन कदम रखते ही किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होगी, जैसे कि मुझे हुई थी। मैं जब ससुराल आई थी बहुत ही सहमी सहमी सी आई थी, और जी हाँ परिवार में सबका स्वभाव समझने में भी समय लग गया। मैं ठहरी कामकाजी तो घर और कार्यालय के बीच में तार में बैठाना भी जरूरी था, क्योंकि सभी सहयोग से ही तो गृहस्थी चलती है ना। मन ही मन सोच रही थी कि अभी तो परंपरागत शादी की रस्मों से कहीं नहीं जा पाई थी, ससुराल में आकर दूसरी रस्में शुरू। इन्हीं रस्मों के दौरान एक रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को छन्नी सिर के ऊपर रखकर नहलाया जाता है, और फिर दूसरी रस्में होती हैं। मैं एकदम नई नई इस घर में ज़्यादा जानती नहीं थी, किसी को ना और किसी स्वभाव पहचानती थी। सास ससुर शादी शुदा ननद बीच वाले और देवर देवरानी और एक छोटा देवर जिसकी शादी होनी थी, इन सबके बीच मेरे पति सबसे बड़े बेटे और मैं घर की बड़ी बहू। ननद से मेरी मुलाकात पहली बार ही होने के कारण बात करने में भी झिझक होती, ऊपर से उम्र में भी बड़ी, साथ ही ओहदे में भी। जी हाँ मेरे दोस्त, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह सब क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि हर नई नवेली बहू अपने ससुराल में कदम रखते थोड़ी सहमी सहमी सी ही रहती है, और मन में रहता है संकोच कि अपना निर्वाह यहाँ हो पाएगा या नहीं, मेरा स्वभाव घर के सदस्य समझ पाएंगे या नहीं। इसी असमंजस में शादी की रस्में अलग, और मेरा सोचना है कि हर बहू का हाल ऐसा ही होता होगा जैसे कि मेरा हुआ। इन सब रस्मों के बीच आफत यह होती है कि अपनी पेटी में से जरूरत का सामान निकाल कर देगा कौन भला। इसलिए बहू की यदि शादी से पहले घर के सदस्यों से जान पहचान रहे तो शायद यह परेशानी नहीं होगी। वो तो इनकी ममेरी बहन यानी मेरी ननद से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, सो उनसे मेरी ससुराल में काफी सहायता कर दी थी। शादी के बाद दोस्तों हमारे यहाँ मायके और ससुराल में सत्यनारायण की पूजा बहुत ही अहम मानी जाती है। जब ससुराल में पूजा संपन्न हुई, घर में पधारे हुए सभी मेहमान को केले के पत्तल पर हमारे घर के आंगन में खाना परोसा गया। साथ ही सास द्वारा मुझे भी आदेशित किया गया कि मैं भी जो मीठे व्यंजन बने हैं उन्हें घर आए मेहमानों को आग्रह के साथ परोसूं। तो साहब शुरू हो गए यहाँ से शादी के बाद बड़ी बहू के नाम से मेरी जीवन यात्रा। एक बात यहाँ विशेष हुई कि मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि कहीं भी नई जगह पर जाती हूँ तो सब अच्छी तरह जांच परख लेती हूँ। नौकरी जो करती थी तो आदत थी। मैंने देखा नंदोई जी को पालक की सब्जी पर तेल की बघार पीसी लाल मिर्च डालकर ऊपर से डाली गई। फिर समझ में आया कि ससुराल में सभी तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं, मैंने यह पहली बार ही देखा। फिर जब मायके में पूजा हुई और नंदोई जी की फरमाइश पर वही पालक की सब्जी मेरी माँ ने बनवाई, तो खाना परोसते वक्त मैंने अपने परीक्षण के अनुसार माँ को चुपचाप ही बताया वही बघार बनाने के लिए, और सब्जी पर परोसने के लिए तो सभी मेहमान मेरी तारीफ करने लगे। जनाब कि आते ही बहू ने सब समझ लिया है, आपका घर संसार अच्छा ही चलेगा, और वो दिन एक यादगार बन गया, आज भी सब याद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।